17.3 million workers are required in India by 2022 to meet the human resources demand of organized retail sector. 12.1 million workers for hospitality and another 5.3 million workers for IT and allied sectors. It has been projected that two-thirds of the future jobs will be new economy entry-level jobs. This brings out the importance of Saksham, which is a connect between youth interested in sustainable livelihood opportunities and market which is in need of such skilled manpower. Saksham, a pan-India skill development initiative, is promoting livelihood among youth, especially girls, by equipping them with job-oriented vocational training since 2010. Key objective of the project is to demonstrate significant increase in employment of young girls and boys, leading to overall household economic prosperity. सक्षम जब से ज्वाइन किया है मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ा है। मुझे पहले हिचकिचाहट होती थी बोलने में, किसी सामने अपनी बातों को रख नहीं पाती थी, समझा नहीं पाती थी उसको बोलने में। बट अब जब से ज्वाइन किया है मैं मुझे अपनी बातें को समझाने में, उसको फेस करने में, प्रॉब्लम फेस करने में सब में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत आगे मैं किसी को अपनी बात समझा भी सकती हूँ और अपनी बात बता भी सकती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर इस प्रॉब्लम को मुझे ऐसे फेस करना है। Saksham focuses youth in the age group of 18 to 29 years who live in poor and disadvantaged communities. Saksham एक ऐसा institute है जहाँ पे जब आप join करेंगे तो first of all आपकी strength and weaknesses देखी जाती है। उस पैमाने पे आपको माप के आपको आपकी जो strength जिस level की है उसको उसी level से आगे बढ़ाया जाता है। Project cycle commences with a detailed labour market scan, intensive youth mobilisation in community, course module designing and development, training delivery, job readiness, employment for youth and their retention in jobs. सक्षम प्रोजेक्ट हम लोग इसलिए लाए हैं, कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी हम इसलिए लाए हैं कि 12वीं पास करने के बाद लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इतनी स्किल्स नहीं होती हैं कि मार्केट में अच्छी जॉब तलाश कर सकें, जिसके लिए हम सक्षम प्रोजेक्ट की तरफ से एक नई दिशा उनको देने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके पास एक अच्छी जॉब हो, उनका एक कैरियर एक अच्छे एक पाथ पे हो, वो आगे चल के एक अच्छा अपना फ्यूचर बना सकें। लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, Communicative English, basic computer and financial literacy are integral part of pedagogy. Post-course completion, each youth secures decent employment. मेरा नाम ममता है, मैं महिपालपुर में रहती हूँ। मेरी एज 18 साल है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th क्लियर की है, CBS बोर्ड से मैंने 12th क्लियर की है। उसके बाद फिर मेरे मम्मी पापा प्रेस करते हैं वसंत कुंज में। और फिर 12th क्लियर करने के बाद मैंने 2 महीने का रिटेल का कोर्स किया है। रिटेल के कोर्स में मुझे पहले सक्षम से किया है मैंने कोर्स क्लियर करने के बाद पहले थोड़ी दिक्कतें आई थी कि नहीं करवाएंगे। फैमिली में बोला था कि नहीं, दूर है, गुड़गांव है, थोड़ा दूर पड़ेगा। तो फिर बाद में मैंने कहा था कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ और भी जो सक्षम में मेरे साथ जिन्होंने कोर्स किया है वो कर रहे हैं। तो फिर बाद में कन्वेंस हो गया था मम्मी पापा को, मैंने कन्वेंस कर लिया था। अब मैं करती हूँ कंटिन्यू, मुझे 3 महीने हो गए करते करते जॉब करते करते। तो अब मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फैमिली में भी सब खुश हैं मेरे से कि मैं करती हूँ, और मेरी फैमिली में सबसे पहली मैं ही लड़की हूँ जो जॉब कर रही हूँ। Saksham has a unique 360 degree approach where parents are extensively involved to enable them to realize importance of employment for youth. ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजने तो नहीं लगा अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे पता चला हाँ भाई चलो भाई काम कर रहा है बच्चा ठीक ठाक, तो ठीक है। कि पता नहीं कैसा लगेगा बाहर भेजने से, अकेले जाने में ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है लड़की को अकेले भेजना। हमारी ममता है, मॉल में काम करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और अभी ये करना चाहती है आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। Project also involves alumni and employers for making youth job ready
and letting them understand the expectations of employers in job market. काफी सारे एम्प्लॉय हैं जो हमारे यहाँ अभी सक्षम से काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, फैबुलस। वो अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए जितना ज्यादा कमिटेड है उतने ही अपने काम के लिए कमिटेड है। एक टास्क आप उनको असाइन कर दो तो जब तक वो टास्क कम्प्लीट नहीं होगा वो मतलब उससे पहले वो छोड़ते नहीं उस चीज को। Many of these jobs can also be transformed into self-employment. Thus, the skill development will not only generate job employment, but many of the trades can emerge as micro-enterprises, wherein the youth can exercise an option of self-employment. Saksham equips youth to understand gender relations at workspace, community space, and personal space. If I were to summarize as to what has been the key achievement of this program in the last 3 years, beyond just the numbers of young people trained, that there are girls from slums who have never come out of their slum areas, who are today through the program gained those skills and they are regularly engaged in employment with major brands and corporates where they and they are fairly successful. Saksham, मैंने join किया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी अलग पहचान मेरी society में बनेगी। तो मैं अपने friends से यही बात कहना चाहूँगी, अगर उनको अपनी अलग पहचान बनानी है तो वो Saksham जरूर join करें और आपकी 100% कहते हैं Saksham से आपकी अलग पहचान जरूर बनेगी। Saksham not only trains youth to secure a sustainable means of livelihood, it also makes them representatives of gender-just society and a better citizen. Plan India currently works across 11 states in India and has reached out to over 1 million children and youth.